दूसरे सीक्रेट में ऐसा क्या हुआ जो मेरी गाड़ी आसमान में उड़ जाती है? चुड़ैल क्या करती है मेरे साथ? वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। और मैं अपना पीसी चलाने के बाद मैं उतरा भाई अपनी कुर्सी पैसे। और भाई आज की वीडियो है मेरी बहुत खतरनाक सीक्रेट की भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चूतिया बनाते हैं वैसे मैं चूतिया नहीं बनाता हूँ। प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। और भाई इस वीडियो का टारगेट है 1 मिलियन व्यूज़। प्लीज़ यार इस पर पूरे कराना। प्लीज़ जो भी देखे प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। और दो सीक्रेट हैं इसमें, बहुत खतरनाक सीक्रेट हैं, हॉरर सीक्रेट एंड बहुत खतरनाक कोडेस। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी स्किप नहीं करेगा। ओ भाई इतने सारे घोड़े एंड भाई उड़ने वाला हो जेट पैक। भाई इस वीडियो को लाइक करो, चैनल के लिए सब्सक्राइब करो। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। चलते हैं जेट पैक से खतरनाक सीक्रेट के पास। एक सीक्रेट ये होगा, दूसरा सीक्रेट है बहुत ही खतरनाक भाई। दूसरा सीक्रेट वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। और भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। और भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। और उड़ के भाई हम तो उड़ के चला मस्त गगन में। चलो भाई जुरासिक पार्क की तरफ चलता हूँ। तो दूसरा सीक्रेट भाई हो गया स्टार्ट। रात का समय था, मेरी गाड़ी बहुत ही हॉन्टेड रास्ते से जा रही थी और मेरी न्यू कार थी। मुझे पता नहीं चल रहा था मेरी कार कहाँ चल रही है। अंधेरा काफ़ी हो रहा था, रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। वो 12 बजे इस रास्ते पर एक खतरनाक कुआ है, उसमें भाई कुएं की चुड़ैल रहती है। मैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं भाई चलते चलते खूबी तेज मेरी गाड़ी अचानक टकरा जाती है मेरी गाड़ी और आवाज़ आती है ही। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी मैं अपनी गाड़ी को खूब तेज़ी से रेस देता हूँ, अपनी गाड़ी खूब तेज से भाई खूबी तेज ले जाता हूँ। और मैं अपनी गाड़ी को रोकता कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी अचानक एक तरफ घूमने लगती है। मुझे बहुत डर लगने लगता है और कुएं वाली चुड़ैल मेरे पीछा करने लगती है। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए सिर्फ भाई। और ये भाई इतनी तेज जाते जाते भाई मुझे एक दरवाज़ा नज़र आने लगता है और उस दरवाजे के अंदर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चुड़ैल जाने नहीं देती है। ये दरवाज़ा भूल भुलैया का था, मुझे अक्सर पता नहीं था इसमें भूल। और भूल भुलैया के अंदर जाता हुआ मैं रास्ता घूमते वापस वहीं पे आ रहा था। और भाई रात का मौसम था, हरी हरी हरियाली थी, हरे हरे पेड़ थे, हरी हरी घास थी। उसमें हमारी गाड़ी 90 की रफ्तार पर चल रही थी। मुझे तो खूब ही ज़्यादा डर लगने लगा और मैं अपनी गाड़ी को ले जा रहा था और मेरी गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं अपनी गाड़ी को रफ्तार से ले जाने लगा और मुझे भूल भुलैया में फंस गया था। जिधर जा रहा वहीं पर वापस आ रहा। इस भूल भुलैया में जंगली जानवर भी रहते हैं। इस भूल भुलैया में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। जो मेरे साथ के दोस्त थे वो सब भी ख़त्म हो गए, जंगली जानवर बन गए। और मेरा दोस्त मिलने वाला था मुझे, इसलिए मैं आया था। मेरा दोस्त रहमान मुझे नज़र आ जाता है। अरे सचिन भाई कहाँ जा रहे हो? मैं इधर घूमने जा रहा हूँ भाई। इधर क्या करोगे जाके? भाई इधर मुझे बहुत खतरनाक चीज़ें नज़र आने लगती हैं। अच्छा भाई चलो भाई, तुम्हें खतरनाक चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल के लिए सब्सक्राइब करो भाई। और भाई मिलेंगे इसका अगला पार्ट जिसे अच्छा लगे। यह है 112 पार्ट, 113 पार्ट, जो भी चाहते हैं कमेंट करो। जो भी 113 पार्ट देखना चाहते प्लीज़ यार कमेंट करो। इस भूल भुलैया जगह में क्या हुआ भाई, देखना भाई वीडियो को लास्ट तक। और भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। और चुड़ैल मुझे पकड़ लेती है और आगे क्या होता है भाई आगे वाले पार्ट में देखना। मैं भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन भागने नहीं देती है। और भाई अगले पार्ट में देखना। राम राम दोस्तों। मेरी गाड़ी पलट देती है अचानक और आगे क्या हुआ भूल भुलैया में अचानक पलटने के बाद गाड़ी अगले पार्ट में।